हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2021 को यूएई में रिशेड्यूल होना है 19 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में, लेकिन इसको लेकर ना तो बीसीसीआई की और ना ही आईपीएल की सभी फ्रेंचाइज की दिक्कतें कम होने का नाम ले रही है, जहां पर एक के बाद एक टीमों के लिए लगातार बड़ी बुरी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की वजह से, रिप्लेसमेंट प्लेयर्स की वजह से कौन सी ऐसी तीन टीमें हैं जिनको यूएई में आईपीएल शुरू होने से पहले ही बहुत तगड़ा झटका लग गया है। लेकिन गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब, और आप उस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का, जहां पर केकेआर की टीम को तगड़ा झटका लगा है वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के क्रिकेट बोर्ड को रिक्वेस्ट की थी कि वो आईपीएल को जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं, इसीलिए सीपीएल को एक हफ्ता पहले जल्दी स्टार्ट कर दिया जाए ताकि इसका जो शेड्यूल है वो आईपीएल के शेड्यूल के साथ क्लैश ना हो। लेकिन सीपीएल की जो उनके जो क्रिकेट बोर्ड है, यानी कि वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने सीपीएल को कैंसिल करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से वेस्टइंडीज के प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी अब खतरे में आ चुकी है, जिसका मतलब है कि वेस्टइंडीज के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो अब आप लोगों को रिशेड्यूल्ड आईपीएल के या तो कुछ मैचेस या फिर हो सकता है कि पूरा आईपीएल स्किप करते हुए नजर आ जाएं। अब गाइज, अगर बात की जाए केकेआर की टीम की, तो इनकी टीम में दो ऐसे बहुत ही बड़े प्लेयर्स हैं जो कि सीपीएल का हिस्सा हैं। सबसे पहले नंबर पर नाम आता है आंद्रे रसेल का, और दूसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है सुनील नारायण का, जो कि अगर वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स अनअवेलेबल होते हैं तो ये इनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, और केकेआर की टीम की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगी फॉरन प्लेयर्स के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं इस लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की, जिनको बहुत ही तगड़ा झटका लगा है, जहां पर कल ऑफिशियली सीएसके की साइड से उन चार बड़े प्लेयर्स का नाम निकलकर सामने आ चुका है जो कि यूएई में आईपीएल खेलने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। पहले बताया जा रहा था कि तीन ही विदेशी खिलाड़ी सीएसके के टीम से बाहर होने वाले हैं, लेकिन अब चार प्लेयर्स का नाम निकलकर सामने आया है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं इंग्लैंड के सैम करन, उनके साथ ही इंग्लैंड के ही मोइन अली, उनके साथ ही नाम निकलकर आता है न्यूजीलैंड से मिचेल सैंटनर का, उनके साथ ही अब बताया जा रहा है कि जेसन बहेंड्रॉफ भी, जिनको सीएसके ने अपनी टीम में एज अ रिप्लेसमेंट शामिल किया था, वो भी अब आईपीएल 2021 के रिशेड्यूल होने पर सीएसके की टीम का हिस्सा नहीं होंगे, वो भी आईपीएल को स्किप करने वाले हैं। तो सीएसके की टीम को भी आईपीएल के रिशेड्यूल होने की स्थिति में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं इस लिस्ट में मुंबई इंडियंस की टीम की, और मुंबई इंडियंस की टीम को भी झटका वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड और सीपीएल के प्रीपोन ना होने से लगा है, जहां पर अगर सीपीएल आईपीएल के शेड्यूल के साथ क्लैश करता है तो कायरन पोलार्ड, जो कि शायद मुंबई इंडियंस की टीम के सबसे बड़े मैच विनर हैं, इस बार उन्होंने सीएसके वाले मैच में इस चीज़ को एक बार फिर से प्रूव कर दिया था कि कायरन पोलार्ड इस टीम के बहुत ही ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा इंपैक्ट प्लेयर इस टीम के आप कायरन पोलार्ड को बोल सकते हो। और गाइज, अगर सीपीएल और आईपीएल का शेड्यूल क्लैश होता है तो फिर कायरन पोलार्ड भी इस बार के आईपीएल को स्किप करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अगर यहां पर सीपीएल खत्म भी हो जाता है तो भी बीसीसीआई मोस्ट प्रोबेबली उनको परमिशन नहीं देगी नए बायो सिक्योर बबल को एंटर करने का, और ऐसे में कायरन पोलार्ड की अनुपस्थिति से मुंबई इंडियंस की टीम को भी बहुत ही तगड़ा झटका लग सकता है। तो गाइज, ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो उसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।